हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्र शुरू हो गए हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नवरात्र में चाहिए और क्या विधि है नवरात्र की जो स्थापना है उस करने के लिए, तो नवरात्रों की स्थापना कैसे करनी है वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नवरात्र रख रहे हैं तो नवरात्र के लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए। जब भी कोई भी फेस्टिवल हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सामान है जो हमें चाहिए। तो नवरात्र की जब बात होती है तो कलश स्थापना होती है, आपको माता को स्थापित करना होता है, धूप बत्ती चाहिए होती है, प्रसाद बनाना होता है, और इसके अलावा अगर शारदीय नवरात्रे हैं तो आप जवारे बोते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम जवारे यानी कि जो भी बोते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आप कोई भी चीज़ जो है मिस ना करें। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सामान है जो मैंने खरीद लिया है। तो सबसे पहले आपने जहाँ पर भी आपका मंदिर बनाया है, या मंदिर आपने खरीद के लकड़ी का संगमरमर का लगाया हुआ है, या अपने घर में अपने सेपरेट एरिया मंदिर में बनाया हुआ है वहाँ पर आप स्थापना करेंगे, तो वहाँ सबसे पहले आपको गंगा जल से छिड़काव कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गंगा जल। गंगा जल से आप पूरे घर को शुद्ध कर लीजिए, पूरे वातावरण को शुद्ध कर लीजिए, और जो मंदिर है वहाँ पर भी आप उसको मंदिर को भी क्लीन कर लीजिए गंगा जल से, और मंदिर में भी सब जगह गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि मंदिर में आपको नीचे लाल कपड़ा बिछाना है। इस तरीके का लाल कपड़ा आपको मार्केट में मिल जाएगा, और अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कोरा नहीं यूज़ करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप हल्दी या कुमकुम के चारों तरफ टीके लगा के थोड़ा सा बीच में बस बुरक दीजिए, तो इस कपड़े को फिर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग मतलब डबल या चार जो तय है इस तरीके से आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मंदिर कितना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख लेंगे नीचे। फिर उसके ऊपर आप अपने माता की स्थापना करेंगे। माता के लिए इस तरीके की तस्वीर आती है, ये जो आप देखेंगे, तो इसमें एक तरीके से नौ माता है पूरी, जो जो माता की जाती है पूजा, बीच में शेरावाली माता है और साइड में चारों माता हैं, इस मतलब सारी बाकी नौ माताओं की यहाँ पर पूरी जो है प्रतिरूप दिया गया है, जिन नौ माता के हम नवरात्रे रखते हैं, और उनकी स्थापना इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी की बनी हुई माता की तस्वीरें भी ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं इस तरीके की, छोटी बड़ी और बड़ी मध्यम मीडियम साइज़ की, जैसे भी आपको अच्छी लगे आप इस तरीके का जो है खरीद सकते हैं, और ये आप स्थापित करनी है आपको लाल कपड़े के ऊपर। आप माता की स्थापना करने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे कुमकुम का, तो आपके पास कुमकुम सिंदूर जो है वो उसका आप तिलक लगाना, और उसके बाद आप जो है फूलों की माला और फूल आप उस पर चढ़ाएंगे। तो फूलों की माला और फूल आप हर रोज परचेज कर सकते हैं, हर रोज उनको चेंज कीजिए। इसके अलावा माता को श्रृंगार चढ़ाना है, ये देखिए इसमें सारा श्रृंगार है, इसमें चुनरी है, चुनरी आप देखेंगे, चूड़ी भी हैं, ये गहने हैं, इसमें लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट, काजल, इस तरीके की सारी सामान इसमें दिया गया है, ऑयल, ये मेहंदी है पीछे, इस तरीके से कंघा, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरीके का सामान आपके पास आता है, इससे छोटा भी आता है, इससे बड़ा भी आता है, डिपेंडिंग ऑन आप जिसमें आपको सारा सामान मिल जाए वो आप शोला श्रृंगार जो है माता पर चढ़ाते हैं, तो वो आपको माता पर चढ़ाना है। तो ये तो होगी जो हमने बड़ी मूर्ति ली उसकी स्थापना। उसके बाद हमारे घर में कुछ इस तरीके की मूर्तियां होती हैं, जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की मूर्तियां हमारे घर में होती हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है, तो ये जो पीतल की मूर्तियां होती हैं गणेश जी की, और हम ज्यादातर लक्ष्मी जी की मूर्ति भी हम अपने पास रखते हैं।
तो ये मूर्तियों हैं, इनका भी आपको आप स्नान करवाएं, पंचामृत से इनका स्नान करवाएं, गंगा जल से इनका स्नान करवाएं और फिर आप इनकी भी स्थापना करें। इस तरीके के इनके कपड़े भी आते हैं, तो अगर आप कपड़े पहनाए हैं आपने तो आप उनको चेंज कर ले। तो मैंने ये पहना रखे हैं, ये आप देखेंगे, ये जब मैंने गृह प्रवेश किया था उस टाइम के मैंने इसी तरीके से स्थापना की थी। इसके अलावा और भी इस तरीके के कपड़े आते हैं जो मैं ये खरीद के लाई हूँ, तो आप ये चेंज कर दें, हर रोज वॉश कर दें शाम को, और मतलब दो जोड़ी रख लें अगर आप रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं, कपड़े आपने नहीं रखे हैं, तो आप इसके अलावा जो हमारा ये लाल धागा होता है कलावा मोली, तो इसका छोटा सा टुकड़ा भी आप माता पर चढ़ा सकते हैं, तो वो भी इनके कपड़ों का ही रूप माना जाता है। गणेश जी के कपड़ों की बात करें, अगर आप चाहें तो इनके कपड़े खरीद सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके का जनेऊ आता है, तो गणेश जी पर आपको जनेऊ चढ़ाना है, ये लाल वाला धागा नहीं चढ़ाना है, गणेश जी पर आप जनेऊ चढ़ाएंगे तो ये इनके कपड़ों का रूप माना जाता है। तो ये तो हो गई हमारी इनकी स्थापना। इसके अलावा अब आप जो रख रहे हैं नवरात्रा, तो नवरात्रों के लिए आप चाहें तो इस तरीके की कथा आती है, ये पाठ आता है, इससे पतली बुक भी आती है जिसमें एक ही कहानी होती है, हर रोज आप सेम कहानी पढ़ते हैं या हर रोज का अलग अलग पाठ होता है, तो वो भी आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हर रोज आपको उसकी पूजा करनी है और ये पाठ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इनमें सारी विधि विधि होती है कि कैसे करना है। उसके बाद आता है हमारा कलश की स्थापना। कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अक्षत यानी कि चावल। इस तरीके के आप चावल ले सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे चावल पूरे दाने हैं, इसमें इसमें कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं है, तो जो पूरा दाना है वो आपका अक्षत कहलाता है। तो अक्षत आपको लेना है, बेसिकली अक्षत आप लेंगे, उसको नीचे आप रखेंगे अक्षत को, और इस तरीके से मतलब यहाँ पे पूरी ढेरी बना के और इस तरीके से आप नौ डायरेक्शन में उनको निकाल देंगे, तो वो नौ माताओं का स्वरूप माना जाता है। उसके ऊपर आप रखेंगे इस तरीके का कलश, आप सादा ले सकते हैं, खुद से पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग करा करा आपको मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको लेना है, इसका ही हम ये ढक्कन हटा देंगे। इसमें आपको भरना है जल, जल के साथ इसमें थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी आप नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं अगर वो इसके साथ अलावा आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक रुपये का सिक्का, सुपारी, थोड़े से चावल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है, दुर्वा धूप मिले तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लेने हैं आम के पत्ते, आम के पत्ते भी आपको अच्छे से वॉश करके उनको भी आपको तिलक लगाना है, कुमकुम का, हल्दी का, और 5, 7, 9 वो इनके ऊपर आपको इस तरीके से रखने की इसके चारों ओर फूल बन जाए, और इस पर भी आपको तिलक लगाना है, और फिर ऊपर आपको रखना है नारियल। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखना है, लाल कपड़े में आप लपेट कर रख सकते हैं, या इस तरीके की ये चुन्नी आती है, ये चुन्नी भी आप लाल नारियल को इसमें बांध कर भी और ऊपर से ये लाल धागा आप लपेट दें और उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका कलश स्थापना। कलश स्थापना जब आप करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आपका कलश 9 दिनों में हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपने स्थापित किया वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि कलश 9 माताओं का रूप माना जाता है। अब शारदीय नवरात्रे की बात आए, तो शारदीय नवरात्रों में आप क्या करते हैं कि जोए बोते हैं, तो इस तरीके का कोई भी मिट्टी का आप मटका लेना चाहें, बर्तन लेना चाहें, तो मैं इसमें प्रेफर करती हूँ, आप भी इस तरीके का इसमें ले सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसको पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, जैसा कि हम नॉर्मली दिए के साथ करते हैं उसी इसी तरीके से इसमें करना है। आप इसमें मिट्टी या रेती, रेत जिसको बोलते हैं, वो आप इसमें बिछाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें जोए डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, फिर थोड़ी सी ऊपर रेती, और 1-2 दिन तक इनको ढक के रखें, जब तक कि इनमें जो है आपको ऊपर जो पौधे हैं वो आना ना दिखें, तब तक आप इसको ढक के रखना है आपने, और उसके बाद आप जो है ढका हुआ है वो आप हटा दें, क्योंकि ढकने से क्या होगा, मान लीजिए बाई चांस कोई भी कीड़े मकोड़े हैं या चूहे घूम जाते हैं किसी के घर में, तो वो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से उग पाएंगे और उनको थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, बेसिकली गर्माहट से ज़्यादा जल्दी ये जो हैं और अंकुरित होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जो और अच्छे तरीके से बोएं, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो है मतलब 4-5 घंटे पहले भिगो के रख देने हैं। मान लीजिए आप सुबह नहाए, आपने पूजा करनी है, आप उनको भिगो के रख दीजिए, तब तक आप मंदिर मंदिर सब सेट कर लीजिए और लास्ट में आप जोए को भिगो जो है बो दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरीके की माला भी आती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ये छोटी मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई थी इनको पहनाने के लिए आप ये मालाएँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फूलों की माला तो आप बड़ी मूर्तियों के लिए यूज़ करेंगे।
इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई भी तस्वीर है माता की, तो उनको भी ये छोटी चुन्नियाँ आप ले आएँ, ये छोटी चुन्नियाँ आप इनको उड़ा दें, जैसे ये छोटी है तो इस पे, या फिर थोड़ी बड़ी भी आती हैं, जैसी आपकी तस्वीर है उस तस्वीर के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी इस तस्वीर पे ये पूरी बड़ी आ जाएगी, तो ये या इससे भी बड़ी जो भी आपके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ले आएँ और इसको आप जो है उड़ा दें, माता को ये चुनरी चढ़ा दें। इसके अलावा अब बात करें अगर हम जोत की, तो जोत आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आपका इस तरीके का दिया आता है ये, इसमें मैंने काफ़ी छोटे दिए भी रखे हैं, तो इस तरीके का दिया आता है, आप चाहे तो इसको भी भिगो के रख दें और फिर इसको यूज़ कर लें, आप इसमें भी अखंड जोत जला सकते हैं, या फिर ये मेरे पास छोटी है, मुझे भी क्लीन करनी है, मैंने आपको बस दिखानी थी अभी, तो ऐसी जोत है, इससे भी आती है या इससे बड़ी वाली आती है अखंड जोत के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो कॉटन से बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा इस तरीके की जोत भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ये अखंड जोत के लिए यूज़ होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस ऐसी मार्केट में नहीं मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये धागा लेना है, इसको डबल करना है, डबल करके इसको अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे आपको कर देना है, मतलब मान लीजिए जैसे ये है, इसको आप इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे, इस पे ऐसे जो है टर्न कर देंगे इसको, और जब पूरी तरीके से अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे गांठ लगा देंगे, तो आप इसको भी एज इट इज यूज कर सकते हैं अखंड जोत के लिए। इसके अलावा आप धूप अगरबत्ती, तो धूप जो भी आप यूज़ करते हैं वो धूप या अगरबत्ती आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो माता पे चढ़ाते हैं हम शहद भी चढ़ाते हैं, तो ये शहद की छोटी सी शीशी आपको मिल जाएंगी, तो ये छोटी सी शीशी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और ये माता पे आप चढ़ाएंगे। इसके अलावा ये परफ्यूम है, सेंट है, तो थोड़ा सा कॉटन लेके आप सेंट भी छिड़काव करते हैं ताकि महक बनी रहे, तो ये छोटा सा आप पाउच ले सकते हैं और उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग और इलायची, ये चीज़ें भी चढ़ती हैं, तो लौंग और इस तरीके का कपूर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप अपने यहाँ पे अखंड जोत भी लगा रहे हैं तो कभी भी सिंगल जोत ना लगाएं, मतलब जो आपकी अखंड जोत है वो तो आपकी पूरे टाइम चलेगी ही, लेकिन जब भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, शाम को सुबह पाठ करेंगे, शाम को आरती करेंगे, उस टाइम पे चाहे आप चाहें तो ऐसे मिट्टी के दिए ले सकते हैं, या अगर आपके पास छोटी जो जोत है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें आप जोत जरूर लगाएं। अब बात करते हैं कि अगर आप घर पर पाठ करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हर दिन जो है पाठ करते हैं, कुछ लोग जैसे अष्टमी मनाते हैं तो सप्तमी की रात में पाठ करते हैं, कुछ लोग नवमी मनाते हैं तो अष्टमी की रात में पाठ करते हैं, और कुछ लोग डेली पाठ करते हैं हर दिन का, तो इसके लिए आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं, ये मैंने ये लिया है, ये परचेज किया है मैंने, अगर आपके घर में है तो आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप हवन करवाने के लिए यूज़ करते हैं, आपके घर में जब भी हवन होता होगा, कुछ लोग तसला रखते हैं, कुछ लोग इस तरीके का रखते हैं, कुछ लोग लोहे का रखते हैं, तो इसमें देखिए इसमें अच्छे से ये पकड़ने का भी है और थोड़ा सा ऊंचा भी है, तो ये सरफेस से ऊपर ही रहेगा, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा ही करने वाले हैं हवन, थोड़ी सी सामग्री डाल के बस थोड़ा सा, मतलब जैसे कि हम कई बार नाम करते हैं तो उसी तरीके से, तो आप चाहें तो इस तरीके के में भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आप नीचे कुछ ईंट वीट रख लें दो, ताकि फर्श पे या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जब आप पाठ कर रहे हैं तो इस तरीके की ये आम की लकड़ियाँ आती हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी, पैकेट मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, इनको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा लोबान नवरात्रों में यूज़ होता है, ये लोबान है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ होता है नवरात्रों में। इसके अलावा ये सामग्री आप यूज़ करते हैं, तो ये सामग्री आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी शॉप से, जिस पे भी आपको पूजा सामग्री का सामान मिलता है, तो ये आप यूज़ करेंगे। जब भी आप हवन करेंगे उसमें आपको लौंग भी यूज़ करनी है, तो दो लौंग अवश्य डालें, दो लौंग भी आपको डालनी है, और ये कपूर है वो कपूर भी आपको इसमें यूज़ करना है, ये भी आपको इसमें यूज़ करना है, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा ये होती है गूगल, इट्स नॉट GOOGLE, गूगल वाला सर्च इंजन, बट इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गूगल बोलते हैं, गूगल। तो इसकी हम ढूंढनी देते हैं, मतलब सामग्री हमने ली, या कोई आप जो भी उपला यूज़ करेंगे तो उपले को आप मतलब उसमें आग लगा के उसमें सामग्री डाल के और ऊपर से ही आप थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा ही बहुत होता है। तो आपके घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो उसकी भी ढूंढनी देते हुए आपने घर में कई बार अपने घर वालों को देखा होगा, तो वही सेम ये गूगल है, वो इसमें आपको यूज़ करना है।
तो ये तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। इसके अलावा आप कुछ इस तरीके की प्लेट्स रखें, थाली रखें अपने पास, क्योंकि जब जैसे कि मान लीजिए आपको ये लगाना है तो आप ये कोशिश करें कि एक थाली के ऊपर ये लगा दीजिए। आपको क्लश रखना है अगर समतल जगह नहीं है तो प्लेट या थाली को समतल जगह पर सामग्री के लिए, तो दो चार प्लेट्स जो हैं आप अपने पास रखें, दो चार कटोरी रखें, इस तरीके की चीज़ें आपको रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रसाद का काम। तो प्रसाद हम फल चढ़ाते हैं, दो तरीके के, पांच तरीके के, पांच तरीके के वैसे फल चढ़ते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दो तरीके के फल जरूर चढ़ाएं। दो तरीके के भी फल नहीं चढ़ा सकते हैं तो जैसे केला आता है तो दो चढ़ाएं, मतलब जोड़े में चढ़ाना है आपको, सिंगल फल नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई लोग मिठाई का भोग लगाते हैं, पांच मिठाइयों का भोग लगता है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए भी आप पंचमेवा यूज़ कर लीजिए। तो लेकिन पतासों का प्रसाद चढ़ता है तो पतासे आप जरूर लेके आए। ये पतासे, तो बतासे, कुछ बतासे बोलते हैं कुछ पतासे बोलते हैं, सेम ही चीज है, वो आपको यूज करनी है। इसके अलावा इस तरीके के आप देखेंगे ना पंचमेवे के पैकेट्स आते हैं, ये पैकेट्स आप खरीद सकते हैं, या आपके घर में है काजू बादाम किशमिश पिस्ता, ये लोटस सीड्स या नारियल, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्री है, मिश्री का प्रसाद आपको यूज़ करना है। ये गोला है तो इसको आप कद्दूकस करके या फिर आप इसको काट के छोटा छोटा पीसेस में, जैसे कि ये पीसेस में कटे हुए हैं, इस पीसेस में काट कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा सामान बता दिया है कि क्या क्या सामान है जो आपको लेकर आना है। सारा सामान हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको माता की तस्वीर की स्थापना कैसे करनी है, आपको क्लश कैसे स्थापित करना है, आपको ज्वारे कैसे बोने हैं, आपको धूपबत्ती कैसे लगानी है, और अगर आप पाठ कर रहे हैं तो वो कैसे करना है। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको डेली का पाठ आपको मिल जाएगा, आपको क्लश या ज्वारे डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो जाके चेकआउट जरूर करें। जय माता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता।